ये हैं उमेश कुमार जी और ये प्राइवेट जॉब करते 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 साथ में इन्होंने दरोगा भी निकाला है, अभी लेखपाल भी निकाले हैं, तो इनके लिए एक बार फिर से ताली। कि आपने दरोगा निकाला तो इसके लिए कितना पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए, या अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जैसे आपने प्राइवेट जॉब किया हुआ ऑलरेडी नोएडा ओडा में, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते होंगे और कौन कौन सा बुक ऐसे पढ़ते हैं जैसे नए बच्चों को पता चले कि भाई दरोगा निकालना है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी। एक्चुअली सर, मैं जो भी एग्जाम का तैयारी करता था, जैसे सचिवालय हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, मैं एग्जाम को डिमांड को देखता था कि उसका एग्जाम का डिमांड क्या है। जैसे दरोगा है, दरोगा के लिए मैं करेंट अफेयर के लिए केवल स्पीडी पढ़ता था। स्पीडी को मैं 3 से 4 बार एकदम उसको रट चट जाता था। क्या 4 किताब? नहीं सर, एक ही किताब, बस एक ही किताब करेंट अफेयर का पढ़ता था, उसी को 4 बार। और दूसरे बात, जैसे मान लो बीपीएससी का सर, उसमें मैं क्या, अब केवल स्पीडी से तो काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पे मैं मंथली मैगजीन लेता था, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आता था तो वो मैं यूज करता था, और एक घटना चक्र का ईयरली आता था, यूपीपीसीएस के टाइम वो करता था, बट मैं फिर भी लेता था क्योंकि मुझे उसमें कंटेंट ठीक ठाक मिल जाता था, तो वो यूज करता था मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं 2 ऑप्शन रखता था हमेशा, क्योंकि बीपीएससी ऐसा एग्जाम है, आपको एक मैगजीन के थ्रू आप नहीं जा सकते। और रह गई बात अदर सब्जेक्ट की, तो जैसे बिहार स्पेशल है तो वहाँ के लिए मैंने सर का ऑनलाइन क्लास देखा था, उसका मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ था, बिहार वाला चल रहा था जी सर। और ज्योग्राफी का भी सर पढ़ाते थे मैप वाइज, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने ऑनलाइन तो सर का नहीं कर पाया, बट ऑफलाइन जाके रिकॉर्डेड क्लास तो वो मैंने किया था। और दूसरी बात, उसके बाद जो और सब्जेक्ट है तो उसके लिए मैं अपना नोट्स बनाया, और जो बुक की बात है तो उसे मैं लूसेंट को बिल्कुल फॉलो करता था, क्योंकि लूसेंट एक ऐसा बुक है कि मैंने देखा था कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो आईएएस कर रहा है, उसके पास भी रखा है, और जो चपरासी कर रहा है उसके पास भी रखा हुआ है, क्योंकि उसका वैल्यू इस वजह से है क्योंकि उसमें आपको एक शॉर्ट नोट्स है। आप डायरेक्ट लूसेंट पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, बट आप नोट्स पढ़े हुए हैं, टीचर से पढ़े हुए हैं, और उसके बाद आप जाते हैं, तो एक तरह से आपको शॉर्ट नोट्स टाइप का, वो एक एक लाइन में उसका आपको क्वेश्चन बनता है, तो उस तरह से मैं उसको यूज करता था। डायरेक्ट जाऊंगा तो मैं तो भूल जाऊंगा कि अगले दिन उसमें क्या पढ़ा था, याद नहीं रहेगा, तो मैं नोट्स भी अपना रखा था अपने हाथ से बना के, ये नहीं कि केवल प्रिंट आउट निकाल लिया और सर ने किसी ने पीडीएफ दे दिया और वो फोन में पढ़ा है, वो नहीं, क्योंकि वो पीडीएफ फोन में ही रह जाता था, तो इस वजह से मैंने नोट्स बनाया था। और सर का जो भी गाइडेंस उस टाइम वो बताते थे, जैसे कि बिहार स्पेशल के लिए इंतिहाज अहमद को मैंने फॉलो किया था, और जैसे कोई लोग बोलते थे क्राउन भी, तो क्राउन भी ठीक है, तो मैं इंतिहाज एक ही बुक, ये नहीं कि किसी ने और बताया तो एक और ले आए और दोनों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं किया मैंने, हमेशा एक बुक को ही फोकस किया और हमेशा मैं उसी को पढ़ता हूँ। अगर 70 बीपीएससी आ रहा है तो फिर से मैं उसी को पढ़ूंगा, दूसरा मैं बदलूंगा नहीं। और फिर जैसे पॉलिटी के लिए था तो मैं लक्ष्मीकांत केवल रखा था और उसी को मैं पढ़ता था, इसके अलावा कोई बुक नहीं और नोट्स। और उसका ज्योग्राफी का हो गया, तो ज्योग्राफी का मैं सर का नोट्स पढ़ता था, उसके अलावा मैं महेश भंडवाल का रखा था, बट मैं उतना नहीं पढ़ता था। महेश भंडवाल मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसका समग्र भूगोल जो था बहुत बढ़िया किताब। हाँ, क्योंकि उतना टाइम हम लोग पास नहीं होता था तो सारा टेक्स्ट बुक को पढ़ना भी पॉसिबल नहीं था, बट जहाँ तक होता था मैं पढ़ा था। और ज्योग्राफी में मैं एनसीईआरटी पढ़ा था पूरा 6 to 12 तक, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मुझे समझ में नहीं आता था, जब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था जून में, क्योंकि मैं दूसरे बैकग्राउंड से हूँ, मैं आर्ट्स फील्ड से नहीं हूँ, मैं फूड टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूँ, तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि इतिहास क्या होता है, भूगोल क्या होता है, तो बिल्कुल ये सबसे मैं दूर हो गया था, इसीलिए मैं क्लास 6 से पढ़ा था एनसीईआरटी, और उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक पे गया था। अच्छा, शुरू में क्लास किया होंगे तो समझ भी नहीं आ रहा कि छोड़ दिए क्या करें, ऐसा नहीं लगता था? नहीं सर, एक्चुअली क्या ना कि मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा था, इसी वजह से मैंने बिल्कुल 0 से 6 मंथ में मैंने बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर दिया था, बिल्कुल 0 से। आप बताइए, तालियां इनके लिए। इन्होंने एक बात अच्छा कहा, सबसे बड़ा पहला क्या होता है, इंटरेस्ट। अगर आपको लगाव है किसी चीज से, अगर पढ़ने का लगाव है तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन लगाव नहीं है तो जानते हो कैसे बैठा, 50% बच्चा ऐसे बैठा है सर, ऐसे बैठा हुआ है मुंह बना के, इसलिए एक उसको इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट जिसको रहता है ऐसे सुनता है, वाह कल से हम भी, तो उसके अंदर दिखता है, तो वही हम कभी कभी बोलते हैं ना कि तुम लोग गधा हो, तो कहे कि हम तुमको गधा जैसे दिख रहे हो इसलिए गधा हो, अगर तुमको गधा नहीं बोल रहे तो समझ लो तुम लोग गधा जैसा नहीं दिख रहे हो, तो पहले अंदर अपने अंदर भूख जगाओ, और किसी चीज का भूख होना बहुत जरूरी है, तभी आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीनियर और जूनियर, इनसे बहुत कोरोना से पहले वाले लोग कितना बार एग्जाम दे चुके होंगे नहीं निकला है, और ये कोरोना के बाद से तैयारी किए हैं और तब निकाल दिए,
तो कहा जा सकता है कि 6 महीना में भी या 3 महीना में भी निकाला जा सकता है, बस हिम्मत चाहिए तो किसको, आपको। और कोई टीचर या किसी बुक की औकात नहीं कि आपको निकाल सके, सिर्फ आपकी औकात होती है आप कितना कवर करते हैं। तो ये भी इनके लिए जुनूनी बात है। अच्छा एक चीज सही बात है ना कि एक किताब को 10 बार पढ़ना चाहिए, ये शुरू से हम ही बोले हैं। अच्छा कुछ बच्चे और भी कर रहे हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन ना क्या कर रहे हैं ना कि 200 300 400 का मिल रहा है, 500 का 600 का एक मोबाइलों में 10-10 को ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, वो सही है गलत है? नहीं सर, मैं एक्चुअली इस पे भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने कोर्स बस हमेशा एक लिया था और उसी को मैंने नोट्स बना के रिविजन किया था। ये नहीं कि 10 कोर्स ले लिया, वहाँ कुछ बता रहे हैं यहाँ कुछ बता रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे भरोसा लगता था कि ये सही है मैंने वही एक बार लिया और एक बार पढ़ा। ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स चल रहा है, हर एक साल लेते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि इतना आपके पास टाइम भी नहीं होता है, बैक टू बैक एग्जाम आ रहे होते हैं, आप एक बेरोजगार हैं तो आपका ऑलरेडी प्रेशर है परिवार का भी, तो आपको स्मार्ट वे में आपको स्ट्रेटेजी बना के आपको अपना टारगेट को अचीव करना होगा। और एक चीज और बताइए कि सबसे बड़ा, हम इन लोगों को बहुत बार बोलते हैं कि आप लोग टेस्ट में शामिल हुआ कीजिए, बहुत कम पैसा लेते हैं टेस्ट का लेकिन फिर भी शामिल नहीं होते हैं लोग, तो आप इनको क्या राय देना चाहते हैं कि जो अगर पढ़ रहे हैं बच्चे तो इनको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप बहुत से ऐसे लोग हैं कि ऑनलाइन में भी 100-150 मिल जाता है तो लाइब्रेरी में बैठ के अकेले टेस्ट देते रहते हैं, तो वो अकेले टेस्ट देना उचित है या इनके लिए मतलब घातक सिद्ध हो सकता है? मैं इस पर बता दूं सर कि मैं ऑफलाइन टेस्ट मुझे देने का तो मौका नहीं मिला एक बार भी, बट मैं इसके पहले दिया था जब मैं कोटा में IIT की तैयारी करता था, तो उस टाइम मैं दिया था, तो उस टाइम को मैंने कंपेयर किया था कि उस टाइम जब मैं पढ़ता था टेस्ट के लिए, क्योंकि 10-15 दिन पहले बता देते थे टीचर कि आपका इस दिन टेस्ट होने जा रहा है, तो आदमी ज्यादा जुनून के साथ पढ़ता था क्योंकि आपके आस पड़ोस लोग हैं उनसे भी आपको आगे निकलना है, तो ये एक मोटिवेशन रहता था। तो टेस्ट देना बिल्कुल जरूरी है और हमेशा देना चाहिए, और सर तो जब अनअकैडमी पढ़ाते थे तो डेली टेस्ट लेते थे, फ्री टेस्ट होता था और मैं डेली देता था, तो मेरे हिसाब से तो आप डेली पढ़िए, डेली टेस्ट दीजिए, वो तो इतना अच्छा है कि आप समझिए कि आप इतना आगे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं कितना आगे निकल गया। जितना टेस्ट देंगे आपको डेली आपको एनालिसिस करना चाहिए आपका, हमने टेस्ट दिया उसका मेरा क्या रैंक है, कितना नंबर आ रहा है और क्या मेरा वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस पे मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको उसके ऊपर देख के एनालिसिस करके आपको अपना आगे का प्लान बनाना चाहिए। तो टेस्ट बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ऐसे बुक पढ़ते रहेंगे सुस्त पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि अब तो क्या पढ़ना, आप तो अकेले हैं रहने दो, बाकी पता चला कि कोई दूसरा उधर लक्ष्मीकांत पूरा रट गया है और आप यहाँ पर भी सुस्त पड़े हुए। अभी रिसेंटली जितने भी देखे आपने, आपने देखा होगा जितने भी लोग एग्जाम निकाले हैं GS के लिए क्या किए लोग, सिर्फ एक किताब। BPSC निकालने वाले भी एक ही बात बोला कि हम लूसेंट पढ़े थे, दरोगा निकालने वाले भी SSC जो भी एग्जाम निकाले लोग एक ही बात बोले कि लूसेंट को ही हम 3 बार पढ़े हैं, और अभी भी बोलते हैं अगर साल भर में आपने 3 बार में अगर खत्म कर लिया तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और जितना आप लोग सोचते हैं ना महंगा पढ़ाई है, उतना महंगा नहीं है, बस खाली बस आदत हो जाता है किताब खरीदना, कोर्स लेना, इधर उधर भटकना, एकदम मत भटकिए, बहुत कम पैसे में आप अधिकारी बन सकते हैं इतना मुझे लगता है, और आपको भी वही काम करना चाहिए, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको ना यूट्यूब पे या बहुत चचा भतीजा कुछ मिल जाते हैं, लोग बोलते हैं ना तुम दरोगा तैयारी कर रहे हो, तुम इसका करो बैंक का करो, तो पता चलता है ना अगला दिन आता कहता है बैंक का तैयारी करेंगे सर, फिर बैंक का तैयारी 1 साल के बाद कहेगा ना, वो कहेगा ना SSC निकालो बहुत अच्छा है, बैंक में बहुत खटैया है, तो फिर तो SSC में लग जाते हो, तो इससे क्या हो जाता है पूरा का पूरा घूमने लगते हो। और मेरा बात जैसे टीचर का बात ना सुनोगे नहीं, हम बोले तुम ही क्या कर रहे हो जी, भैया बोले हैं, अरे भैया बोले तो मतलब हम लोग दिन भर का पढ़ा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कौन सा सही है, तो वो चीज आपको करना होगा, ज्यादा इधर उधर सुनना नहीं चाहिए, बस अपना दिमाग का सुनिए और मेहनत कीजिए, उससे सफलता जरूर मिलेगा।